जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कपर रॉयल प्रीस्ट। आज हम वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले। पता रहेगा पिछले थोड़े दिनों से, पिछले थोड़े हफ्तों से बोलते ना, हमारा जो हिंदी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे क्रिश्चियन पीपल जो है बहुत ही टॉक्सिक बन रहे हैं ऑनलाइन में, बहुत टॉक्सिक बन रहे हैं, मतलब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल हो रहा है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबको पता रहेगा दो महीने के पहले क्या हमारे कैमरा मेंडल्स ने एक सेक्युलर सॉन्ग को एज अ वर्शिप सॉन्ग यूज़ किया था, तो उसके वजह से बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बने थे, मैंने भी बनाया था। तो दो महीने के पहले हुआ था, तो बोलते ना एक 10 दिन तक बहुत चला था, फिर बहुत ही एकदम शांत, एकदम कूल हो, एकदम ठंडा हो गया। फिर से उबारा ना कभी। पिछले हफ्ते हमारे भाई शिंदा बंगेरा ने एक लाइव सेशन में उन्होंने बोला था कि वो कैमरा मैन को सपोर्ट करते बोला था, इनडायरेक्टली सपोर्ट करते बोला था इनडायरेक्टली। तो उसकी वजह से फिर से उनके अगेंस्ट बहुत सारे वीडियो बनने शुरू हो गए, उनको बहुत हेट कर, उनको बहुत हेट मिल रहा था। तो अभी बेसिकली बोलते हैं हमारे जो हिंदी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, एक तीन हमारे जो सारे लोग तीन ग्रुप में बट चुके हैं, जबकि होना नहीं चाहिए, लेकिन अब तीन ग्रुप में बट चुके हैं। एक पीपल जो बोल रहे हैं कि हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, एक भी बोलते हैं हम लोग उसका अगेंस्ट में है, इट्स ओके। और एक बोलते हैं कि हम लोग ना ही अगेंस्ट में, हम ना ही साथ में, लेट गॉड जज देम। अगर वो हैप्पी है, अगर गॉड इज हैप्पी विद देम, इट्स ओके, वी डोंट हैव ए राइट टू जज देम, ठीक है। सो बेसिकली अभी तीन टाइप के लोग इंटरनेट में पाए जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो अभी जो मैंने बोला, जो लोग अगेंस्ट में, ठीक है, जो लोग अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट में, ठीक है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अब मैं आपको बोलते ना आपको पसंद करना ही होगा, आपको ऐसे में कुछ नहीं बोलना, आपकी मर्जी, इफ़ यू डोंट लाइक इट, इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन उसमें जो लोग बोल रहे हैं ना पसंद है, उसमें बहुत से 90% ऑफ पीपल, मतलब कैमरा मेंडर्स और शिंदा बंगेरा के अगेंस्ट में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब वो लोग पागल है, उन लोग फॉल्स प्रॉपर्टी, उन लोग अपना एनेंटिंग खो चुके, उन लोग वैसे है, उन लोग ये है। और कुछ सोकल यूट्यूबर्स तो बोलते हैं आप अपने वीडियो में उनको प्रोस्टिट्यूट, उनको ऐसा बोले प्रोस्टिट्यूट है, उन लोग चोर लोग है, कुत्ते लोग है, उन लोग को सब पकड़ के मारना चाहिए, ऐसा बहुत सारे उनके अगेंस्ट में कमेंट्स है, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे वीडियो बन रहे। तो मुझे बस कुछ कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे बोलते ना मुझे मुझे कुछ कुछ चीज़ों को मिल गया, मुझे यहाँ पे पॉइंट करना था कि मतलब आपको पता ही रहेगा, मतलब अभी देखो 6-7 साल से वो लोग हमारे चर्च के लिए इतने सारे अच्छे प्लस अच्छे एंट्रेंस सॉन्ग हमें दे दिया उन लोग ने, तो तब किसी ने उनको अप्रिशिएट वीडियो नहीं बनाया, तभी उन्होंने किसी ने भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने उनको ब्लेस नहीं किया, तभी उनके लिए सपोर्टिंग वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जब उनके अगेंस्ट में छोटा सा कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो चालू हो गया, उनके अगेंस्ट में सारे सो कॉल यूट्यूबर उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आपको पता ही रहेगा पिछले 3 महीने, पिछले तीन महीने से हमारे जागो म्यूजिक जो बैंड है वो एक प्लान चला रहे जागो कोविड रिलीफ करके, उसके तहत उन्होंने हजारों लोगों को इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में हजारों लोगों को उन लोग ने कोविड के टाइम पे हेल्प किया है, फाइनेंशियली खाने के लिए, फिर मेडिकल हेल्प, जब बहुत सारे हेल्प किया है, तो उसके लिए किसी ने उनका अप्रिशिएट नहीं किया। और पता रहेगा पिछले एक 20 दिन के पहले हुआ था, 20 दिन के पहले हमारा जागो म्यूजिक यूट्यूब चैनल है का चैनल हैक हो गया था, किसी हैकर ने उनके चैनल को हैक कर दिया था, तभी उनका पूरा चैनल एक दिन के लिए डाउन था, फिर अगले 5 दिन के लिए उनके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में गायब हो गए थे, फिर एक उनको पूरा चैनल को पूरी से रिकवर करने के लिए 1 हफ्ता लग गया था, तभी उनको अवेयरनेस के लिए, तभी उनको सपोर्ट करने के लिए आज के यूट्यूबर जो उनके अगेंस्ट में वीडियो बना रहे, तभी उन्होंने किसी सपोर्ट नहीं किया। मतलब जब जागो म्यूजिक ने अपना बोलते ना उन्होंने 3 महीने से हजार लोगों को मदद कर रहे, तो उनको कोई अच्छा वीडियो नहीं बना उनके ऊपर। और जब उनका चैनल हैक हो गया था, उनके हेल्प के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए किसी जो आजकल यूट्यूबर्स जो उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे, उन लोगों ने कभी उनके लिए सपोर्टिव वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जस्ट एक उनके भाई के एक 4-5 मिनट का वीडियो कुछ को उनको कंट्रोल से मिल गया, उसके अगेंस्ट में पट के वीडियो बना रहे। मतलब वो बंदे ने हमें 6-7 साल से हमारे लिए इतना अच्छा सॉन्ग बनाया, अभी भी और भी देंगे, इतना अच्छा हमारे से सॉन्ग हमारे लिए बना के दिया है,
और पिछले 3 महीने से इवन लास्ट ईयर भी कह रहे इस साल भी कर रहे हैं, मतलब हजारों लोगों को उन लोग अपने बैंड के द्वारा उन लोग हजारों लोगों को कोविड रिलीफ में हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली मेडिकली। और पिछले हफ्ते पिछले जो जिनके ऊपर हैक भी हुआ था तभी उन्होंने किसी ने हेल्प नहीं किया, तभी उसने उनका अप्रिशिएट नहीं किया, पर लेकिन किसी ने थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी को उन डाकि एकदम पूरा वीडियो बना रहे। और हमारे कैमरा मेंटर्स भाई वो तो पिछले 8-9 साल से म्यूजिक बना रहे, कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग उनसे चर्चे दिए, अभी भी दे रहे, अभी भी इसी में सॉन्ग आया था जहन नसीब सो ऑसम सॉन्ग। और प्लस अभी उनको उसके पहले उन्होंने एक हैदराबाद में बैंगलोर में कोई एक एनजीओ है उनको उन्होंने प्रमोट किया था, उनको उसके बाद एवरेज फैला था कोविड में जो लोग बहुत फाइनेंशियली सफ़र कर रहे उनके लिए ऐसे हेल्प उन्होंने एनजीओ को प्रमोट किया था, एनजीओ को उन्होंने हेल्प किया था, तभी किसी ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। और इवन उन्होंने भी बहुत कोविड के रिलेटिव बहुत सारे पोस्ट शेयर किए, बहुत सारे उनको बहुत सारे एनजीओ को प्रमोट किया, एनजीओ को हेल्प किया, तभी किसी ने उनके इनको जाके अप्रिशिएट नहीं किया। बट लेकिन जैसे ही बंदे ने कोई एक गलती, वो गलती तो मेरे से गलत नहीं था लेकिन आप लोग गलत है, इट्स ओके फाइन आई रिस्पेक्ट दैट। तो बोलते ना तो जस्ट कोई आपको एक कॉन्ट्रोवर्सी मिल गया उसी पर वीडियो बनाते जाए। जो बंदा हमारे लिए इतना अच्छा सॉन्ग बना के दिया है, इतना बहुत सारे कोविड लोगों को आजकल मदद कर रहे हैं अपने बैंड के द्वारा, तभी उनके लिए कोई हेल्प नहीं किया, तभी उनके लिए अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन बंदे बस एक गलती को उसके अगेंस्ट में वीडियो बना रहे। और कोई लोग तो उनके नाम से अपने चैनल को ग्रो कर, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बोलना है, जो क्रिश्चियन यूट्यूबर उनके नाम पे मल्टीपल वीडियो है, एक दो वीडियो ठीक है लेकिन उनका मल्टीपल वीडियो बनाकर अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं ना, आपको जो व्यूज एंड सब्सक्राइबर मिल रहे हैं ना वो बस कॉन्ट्रावर्सी के लिए मिल रहे हैं, आपको आपके चैनल के नहीं मिल रहे। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर आप कॉन्ट्रावर्सियल वीडियोज आपको एक कोई बोलते ना बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर गेन करते हैं ना, वो आपके चैनल को डेट कर दे, क्योंकि वो जो सब्सक्राइबर आपके चैनल में आते हैं वो बस कंट्रोवर्सी के लिए आते हैं। आप कल ही एक अच्छा वीडियो अपलोड करो, व्हाट इज़ प्रेयर, व्हाट इज़ फेथ, प्यार में कैसे चले, यीशु मसीह का नाम का पावर, पवित्र आत्मा से कोई अच्छा स्पिरिचुअल वीडियो अपलोड करो, उसमें व्यूज ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपने जो सब्सक्राइबर गेन किया है वो आपने अपने स्पिरिचुअल वीडियो से गेन नहीं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रोवर्सी से अपने सब्सक्राइबर को अपने गेन किया है, आपका चैनल डेड हो जाएगा फालतू में ऐसा आपको आपके चैनल ग्रो करने के लिए फालतू में इसके नेगेटिव वीडियो कॉन्ट्रोवर्सी फालतू में मत करो, क्योंकि ये लोगों को पता है एक पॉजिटिव वीडियो बनाओ उसमें ज़्यादा रीच नहीं, लेकिन आप एक नेगेटिव वीडियो बना दो उसमें ऊपर भर भर के सब्सक्राइबर मिलेंगे। और ये लोग ये यूज़ करेगा अपने चैनल को, अभी इसलिए एक चैनल नहीं ऐसा बहुत है, कुछ लाख का भी सब्सक्राइबर है, और पॉज एक्सपोज है, कैमरा मैन एक्सपोज है, अंकुर एक्सपोज, मतलब सारे पास्टर वो कितने बड़े बड़े पीछे सबके ऊपर नेगेटिव वीडियो बना बना के नेगेटिविटी फैला कर कॉन्ट्रोवर्सी करके अपने चैनल को ग्रो किया है, उनके लिए बोलते हैं ना कॉन्ट्रोवर्सी करके आपके चैनल तो ग्रो हो जाएगा लेकिन व्यूज नहीं आएंगे, चाहे आपको फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग कॉन्ट्रोवर्सी करना आपके चैनल में आते हैं ना, दे ओनली कम फॉर कॉन्ट्रोवर्सी नॉट फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे पता है ना मैं क्या बोलूँ, सो ये मेरा पॉइंट होता है कि बहुत अगेंस्ट में बात कर रहे थे। और एक मुझे दो पॉइंट मुझे बहुत ही मेन पॉइंट लगा, मुझे लगा वो आपको एड्रेस करना चाहिए, उसमें एक पॉइंट बोल रहे थे कि बोल रहे कि हम लोग ना उन लोगों को जज नहीं करें, हम लोग डिजर्न करें डिजर्न। तो मैं बोला चाहता हूँ बाइबल में आप लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन बाइबल ठीक से हम समझते हैं कि डिजन जो डिजनिंग जो पावर है, डिजन पावर ऑफ डिजनमेंट, वो जो है होली स्पिरिट, मतलब है ना सबको एक डिजनमेंट करने का एक होली स्पिरिट हेल्प करता है, वो जो डिजनिंग है वो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे लिए क्या ठीक नहीं है, हमारे लिए लाइफ में कौन सा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो वो सब हमारे पर्सनल लाइफ के लिए जो डिजाइनिंग जो बोला डबल डिजाइनिंग करके कुछ लोग यूट्यूब पर हम लोग को उनको जज नहीं करना, हम डिजाइन कर डिजाइन मतलब कुछ भी बोलने का मतलब, वो जो डिजाइनिंग वो आपके पर्सनल लाइफ के लिए दिया गया है, नहीं कि आप दूसरे के लाइफ में जाके वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, उसके जाके लाइफ में पोक उसका टांग खींचने के लिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके वो गलत है कि सही है, वो क्यों कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है, उसके बारे में बैठ के पोक करने के लिए जो आपको डिजाइनिंग पावर नहीं दिया गया है। डिजाइनिंग जो है आपके पर्सनल लाइफ के लिए जाए, ना ही किसी के और पे लाइफ जाके आपके टांग खींचने के लिए ना कुछ ना नहीं दिया गया, ये वो समझ लो, ये हो गया पहली बात। और जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये तो मैं बहुत बार देखा है, आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम टू एड्रेस दिस इशू, एक बाइबल में वचन है जहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि
जज राइटियसली, वचन दिखा आपको मैं, वचन लिखा है योहन्ना का 7:24 में। अभी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, अभी इंग्लिश में आई थिंक बहुत सारे जानते होंगे, इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं वचन को, वचन पढ़ता हूँ ठीक है। वचन बोलता है कि जज डू नॉट अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस बट जज राइटियस जजमेंट। तो बहुत लोग वचन कुट करते ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम लोग को जज करने का सारा अधिकार हमको दिया गया, इसमें से बोला कि जज करना चाहिए, ये जो वचन है वो उनको वैसे कुट कहते हैं जज ना करना अपीयरेंस जज भाई दी जज राइस तो जो भी वचन बोलते हैं। सो यहाँ पे पहला तो बोलते ना, यहाँ पे जो यीशु मसीह ने बोला है राइटियस जजमेंट, पर इसका मीनिंग समझो, मतलब वहाँ पे ना किसी को एक पर्सन को जाके जज करने नहीं बोला है। पहला हमको ना पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ, अभी देखो अभी अभी आपको पता चलेगा, अभी बाइबल नहीं आप कौन सा भी बुक ले लो, अगर वो कुछ पढ़ रहे हो उस सेंटेंस को उस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के पढ़ोगे ना आप, यू कैन गिव व्हाट एवर मीनिंग यू वांट राइट। तो हमें उसको उसमें रख कर पढ़ना चाहिए, ऐसे बाइबल में कि हमको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ कर पढ़ना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है कि यीशु मसीह एक सबात का, आपको पता है बेथेसदा में क्या होता है, बेथेसदा में एक बेटा रहता है, एक हैंडीकैप रहता है, यीशु मसीह हील करते, तो जूस बोलते अरे आज सबात दे अपने हील करते, सबात दे में कुछ करना नहीं चाहिए, डे ऑफ रेस्ट है ऐसा बोल रहे थे। तो उनको बहुत लोग मारने की कोशिश, किल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वहाँ पे बच गए। फिर वो फिर क्या होता है कि एक टेम्पल में आता है, टेम्पल में आके प्रीच करता है, तो तभी क्या इसमें जी प्रीच करता है तभी लोग कितने मारो होता है बाप रे इसी ऐसे नॉलेज करके, तो होता है राइट। तो अभी आता है मेन मुद्दे पे, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेन मुद्दे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वचन जॉन 7:20 या हम लोग 21 से पढ़ेंगे। जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू देम आई हैव डन वन वर्क एंड यू ऑल मार्वल, मोसेस देयरफॉर गेव अन टू यू सर्कमसिशन नॉट बिकॉज इट इज ऑफ मोसेस बट ऑफ द फादर्स एंड ऑन सबात डे सर्कमसिशन मैन, इफ अ मैन ऑन सबात डे रिसीव सर्कमसिशन द लॉ ऑफ मोसेस शुड नॉट बी ब्रोकन एंड आर एंग्री एट मी बिकॉज आई मेड अ मैन वेरी हिट ऑल द होल सबात डे। मतलब बेसिकली क्या बोलता है कि मतलब बोलते हैं ना वहाँ पे यीशु मसीह के ऊपर एक दोष लगाया गया था कि वो लोग मतलब सबात दे उनका बोले कि सबात दे में हिल नहीं करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने उनको रिप्लाई दिया कि ये जो है सर्कमसिशन वो लॉ के पहले से आया था, बट लेकिन आप इवन जो लॉ के पहले से आया था जब लॉ आने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करते, अगर वो सबात दे में आया तो उसी दिन में आप एक मनुष्य का आप यू आपको आप एक सर्कमसिस करते, लेकिन तो हील नहीं कर सकते, हील तो हीलिंग क्यों नहीं कर सकते, वैसे इस मुस्लिम में बोला ठीक है। तो यहाँ पे तो तभी इसमें से बोलते हैं कि जज नॉट अकॉर्डिंग द अपीयरेंस बट जज राइट जजमेंट ठीक है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने किसी पर्सन को जज करने नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे वो जो सिचुएशन है वो जो मैटर है उसको यीशु मसीह ने जज करने बोला, किसी एक पर्सन को बोलो वो बुरा है, वो गंदा है, वो ऐसा है, वो गलत है, वो कुत्ता है, वो चोर है, वो प्रोस्टिट्यूट है, वो एड़ा है, वो पागल है, मंदबुद्धि है, फॉल्स प्रोफेट है, ऐसा सब बोलने के लिए आप इसमें जज करने नहीं बोला है। यीशु मसीह ने बोला जज राइट जजमेंट, जज किसी इंसान को जज करने नहीं बोला यीशु मसीह ने, लेकिन यीशु मसीह ने उस मैटर को उस सिचुएशन को जब यीशु मसीह ने जज करने बोला वो पहला अपने समझ के लो। फिर से होता है यीशु मसीह ने किसी पर्सन को जज करने नहीं बोला हमको, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि जज राइट जजमेंट एक सिचुएशन को, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे एक मैटर को डील कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि सबात दिन आप हीलिंग नहीं कर सकते, तो यीशु मसीह ने बोला कि जज नॉट बाय अपीयरेंस बट बाय दी बट जज राइटियसली, मतलब वही बोल रहे थे कि यीशु मसीह ने उस सिचुएशन को उस मैटर को जज करने बोला, किसी इंसान को जज कर, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी यीशु मसीह ने वहाँ पर बोल के आप लोग बुरे लोग है, आप लोग उस कॉन्टेक्स्ट में किसी बोल रहे आप बुरे लोग हो, आप लोग पागल हो, आप लोग एड़े लोग हैं, आप लोग वो है, किसने उस कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह ने किसी को उधर नहीं बोला है। यीशु मसीह ने जो भी बात किया उस जो मैटर था हीलिंग के बारे में, हीलिंग में सबात दे उसके बारे में बात किया, तो हमें समझता है कि यीशु मसीह ने बोला कि जज राइट जजमेंट वो एक मैटर को उस सिचुएशन को जज करने बोला, किसी एक इंसान को जज करने नहीं बोला जाके उसको जाके वो बोलो उसको जाके ये बोलो नहीं बोला ठीक है। आपको समझना है तो जो लोग वचन को कोट करते यीशु मसीह ने हम लोग को जज करने का अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने एक सिचुएशन को जज करने बोला इन अ राइट वे, एक इंसान को नहीं, क्योंकि इंसान के ऊपर आपको ना ही अधिकार है ना ही मुझे, ओनली गॉड एज
राइट, अगर आपको जज करने का अधिकार दिया है तो गॉड को बोलते ना वाई ही नीड टू सिट ऑन दी थ्रोन ऑफ जजमेंट। अगर आपको न्याय करने का अधिकार है तो परमेश्वर को न्याय करने की जरूरत क्या है? भाई बोलते कि न्याय का दिन आना, तो न्याय के दिन की जरूरत क्या आप न्याय करने वाले? तो समझिए ठीक है, ये कि पहली बात तो मैं अभी वीडियो से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि बोलते ना आप लोग उसको सपोर्ट करो, मैं वही नहीं बोल रहा ठीक है। अगर आपको लगता है सही है सपोर्ट, आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए मत करो, लेकिन उनको बोलते ना उनको टांग खींचना, उनको उनके बारे में बुरा भला बोलना, उनके कैरेक्टर में बात करना, वो तो उनके बोलते उनका पर्सनल में उनके जो जो पर्सनल लाइफ उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मुझे बोला नहीं वो मतलब बात कर रहे वो ये बोलते ना एडे फॉल्स फ्यूचर है फॉल्स, उन लोग अपने बुद्धि खो गए, उन लोग पागल लोग, उन बाइबल नहीं पढ़ते, उन लोग अपने एनाइंटिंग खो चुके, उन लोग प्रोस्टिट्यूट है, तो ये सब मतलब ऐसा सब अगर आपको लगता है ये बुरे गलत है आप बोलो रॉन्ग है ठीक है छोड़ो, आपके उनके बारे में ऐसा फालतू के वर्ड यूज मत करो, इट हर्ट्स वो लोग के बोलते ना आप उनके अगेंस्ट में इतना वीडियो बना रहे। थिंक वो लोग कौन से सिचुएशन में वो लोग, यू नेवर नो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दर पर्सन। तो मैं बोला उनके अगेंस्ट में मल्टीपल वीडियो बनाना शुरू कर मतलब मत करो, बंद करो ये सब। और मैं बोलते ना और मुझे कुछ एड्रेस करना है तो बोलते ना बहुत लोग मुझे पता ही है पूरे यूट्यूब में सिर्फ जब तक मुझे लगता है पूरे यूट्यूब में मैं ही उनके लिए सपोर्ट में खड़ा हूँ, और बाकी सब लोग उनके अगेंस्ट में, जो भी उनके अगेंस्ट में मेरे को टॉन्ट मार के वीडियो बनाते हैं मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। और एक पर्टिकुलर यूट्यूबर है जिसने 2 महीने के पहले मेरे पे एक्सपो वीडियो बनाया था, जस्ट बिकॉज मैंने कैमरा मैन भाई को सपोर्ट किया था, उसने मेरे पर एक्सपो वीडियो बनाया था, मतलब मेरे को वीडियो में कुत्ता बोल रहा है, छोर बोल रहा है, मुझे बोला कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, और मैं क्या मंदबुद्धि हूँ, मैं पागल से बोल रहा था, मतलब जिस वीडियो मुझे चोर बोल रहा है उसका थंबनेल मैंने चोरी किया, डिस्क्रिप्शन टाइटल सब कुछ वैसे मैंने चोरी किया, मतलब अभी उसने बदल दिया उसके बाद। सो बोल रहे ना और एक यूट्यूबर है वो यूट्यूबर, मतलब जो वीडियो में मैंने कैमरा मैन भाई और उनके चंद्र मेहंगे भाई को मैंने बात ही नहीं किया है, जो वीडियो में उनके रिलेटेड है ही नहीं, उसने भी आके कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे कि कमेंट्स में वीडियो मतलब आके तुमने मेरा वीडियो देखो, मैंने आपको रॉन्ग प्रूव किया है, मैंने गलत प्रूव किया, मतलब आप कैमरन को भंगारों को आप सपोर्ट करते हैं ना, मैंने आपको रॉन्ग प्रूव किया है, मेरा वीडियो देखो भाई, मतलब इतना हाउ कैन मैन भी इतना टॉक्सिक कैन भी इतना हाउ कैन भी जिसमें टॉक्सिक मैन, मतलब बोलते ना जो वीडियो उनके रिलेटेड है ही नहीं, जो वीडियो उनके बारे में बात ही नहीं, एकदम अलग टॉपिक है, उस वीडियो में कमेंट में आके मुझे बोल रहे कि आप जगह मेरा वीडियो देखो, मैंने आपको रॉन्ग प्रूव किया है, मैं गलत आप लोग कैमरन को और उसको सपोर्ट करते हैं, मैंने आपको रॉन्ग प्रूव किया है, मैं वीडियो में आके भीख मांग कमेंट में मेरा वीडियो देखो, क्योंकि मैंने जस्ट बिकॉज मैंने उनको मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, वो लोग मेरे पे एक्सपीरियो बना रहे बना तो इट्स ओके, उल्टा मुझे भी और भी ऑडियंस मिले, मुझे ऑडियंस मिलेगा, मुझे कुछ मेरे लिए अच्छा ही वैसे बनेगा। तो भी उसमें बोल रहा हूँ कि मतलब अभी जो टॉक्सिसिटी फैल रहा है हमें किसी लोगों के बंद करो यार, मतलब बोलता ना प्यार फैलाओ, क्यों अगर लगता है उनमें गलत है इग्नोर देम ना, मतलब आपको लगता है गलत है इग्नोर देम। जो लोग उनके एक कॉन्ट्रोवर्सी को यूज़ करके आप चैनल को ग्रो कर रहे हैं ना भाई, मैं बोल रहा हूँ आपका चैनल जल्दी डेड हो जाएगा, बोलते आपको ऐसे बोलते ना आपको ऐसे बोलते ना चाहते सब्सक्राइबर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद व्यूज़ नहीं मिलेंगे, जिसके कारण आपका चैनल डेड हो जाएगा। मैं आई एम सेइंग बाय एक्सपीरियंस, मैंने 5 महीने पहले मैंने पॉज होने के बाद वीडियो बनाया था, मतलब कॉन्ट्रोवर्सी के वीडियो बनाया था, उनको मैंने सपोर्ट किया था, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही मुझे बहुत से मुझे सब्सक्राइबर मिला, बट लेकिन उस वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसमें मैंने अंडरस्टैंड किया कि मुझे जो उस वीडियो से मुझे सब्सक्राइबर मिले ना वो जस्ट कॉन्ट्रोवर्सी देखने के लिए आए, कोई बाइबल को पढ़ने के लिए कोई नहीं आया था। तो बोल रहा हूँ जो लोग कॉन्ट्रोवर्स के यूज़ करके चैनल ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, बोल रहा हूँ आपको ऐसा नॉटेड हो जाएगा, आई एम गिविंग एडवाइस। और एक बात मैं कहना था कि जो लोग मेरे को सब्सक्राइब किए जस्ट फॉर कॉन्ट्रोवर्सी, मुझे बुरा लगेगा, यू कैन आंसर फॉर, मैं बोलता ना मैं किसी को रिएक्ट करूँगा, मैं किसी को डिफेंड करूँगा, मैं किसी को बुरा भला बोलूँगा, मैं किसी को रोस्ट करूँगा, मैं किसी पर रिएक्ट करूँगा, उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है ना, प्लीज़ यू कैन अनसब्सक्राइब, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा चैनल कोई एक रिएक्शन चैनल नहीं है,
मेरा चैनल कोई एक एपोलॉजेटिक चैनल नहीं है, मेरा चैनल कोई व्लॉग चैनल नहीं है, मेरा चैनल कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है। इस पर मैं इसी चैनल को मैंने बाइबल टीचिंग्स के लिए मैंने खोला था, वो ही आएगा। मैंने मैं किसी को आप डिफेंड नहीं करने वाला, मैं किसी को रोस्ट नहीं करूँगा, मैं फिर मैं किसी को जाके बुरा वाला नहीं बोलूँगा। अगर आपने कॉन्ट्रोवर्सी के लिए चैनल को अपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू अनसब्सक्राइब टू मी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और जो लोग इस वीडियो देखने के बाद सोच रहे हैं कि मैं बस कॉन्ट्रोवर्सी के लिए चैनल को मैं सब्सक्राइब करूँगा, आप प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब। अगर आपको बाइबल टीचिंग चाहिए मैं तभी आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बोलता मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही आप हो। मुझे जितना परमेश्वर वगैरह बताता है वो आपको मैं जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं बिलीव करता हूँ आपको मैं बताऊँगा। आप उसके आप वीडियो देखिए, लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग आई विल सब्सक्राइब जस्ट फॉर कॉन्ट्रोवर्सी, प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब। यू कैन जस्ट लाइक और डिसलाइक द वीडियो, कैन जस्ट पास आउट प्लीज, बट प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब जस्ट फॉर कॉन्ट्रोवर्सी। सो या थैंक यू। और एंड में मुझे ये बोलना था कि स्प्रेड लव। या तो वीडियो का एंड में मुझे यही बोलना था कि प्लीज़ स्टॉप क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी। जो हुआ वो हो गया, वो बदला और लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी नेगेटिविटी बहुत पसंद है, बदला। जब चंद्र वंगेरा ने 3 महीने से हजार लोगों को कोविड रिलीफ में इंडिया के हर एक कोने में जाकर हेल्प कर रहा अपने जो चाको बैंड से, तभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं, किसी ने नहीं किया। जब उसे चैनल हैक हो गया तभी किसी ने यूट्यूब क्रिएटर था जो यूट्यूब में उनके अकाउंट से वीडियो बनाने उनकी अभी तक हेल्प नहीं किया था, उनको जाके कुछ मदद नहीं किया था, और ना ही किसी ने बोलते ना। और जब कोई किसी ने उनसे पूछा नहीं भाई क्या हुआ आपका चैनल, क्या हुआ आप, हमको हेल्प चाहिए, किसी ने उनको हेल्प नहीं किया, उन्होंने खुद से उनका मदद कर लिया, किसी ने हेल्प नहीं किया, किसी को अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन उनके कुछ एक दो पॉइंट ऊपर से होने से वीडियो बनते उनका बना रहे मतलब लोगों को नेगेटिविटी पसंद है। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा उसको बैठ के अप्रिशिएट नहीं कर, उसके कुछ अच्छा नहीं, लेकिन एक बंदा कोई गलती कर जाए, गलती नहीं आपको गलती लग रहा है ठीक है इट्स फाइन, लेकिन उस बैठ के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे भाई क्यों भाई शांत जो बोलते ना अभी मैं इतना बड़ा इंसान नहीं, मैं आपको जाके बोलूँ मत को, आपको करना चाहिए करो। एज अ ब्रदर इन क्राइस्ट मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट बोलता हूँ, सारे व्यूअर्स और सारे यूट्यूब क्रिएटर्स ये कॉन्ट्रोवर्सी को यहाँ पे ख़त्म करो, उनके पे मल्टीपल वीडियो बनाना बंद करो। अगर आपको लगता है कि वो गलत है इट्स ओके, सबसे गलती होती है, माफ़ कर दो, हम उसे प्यार करते हैं, मैं उसे प्यार करता हूँ। जो भी यूट्यूबर में बोलते हैं ना मेरे कमेंट में मुझे गाली देते हैं, मुझे याद है, पता है कौन कौन है यूट्यूबर, मुझे पता है जो मुझे कहकर कमेंट गाली दे रहे थे मेरे को, आई लव यू एंड यू डू लव मी आई नो, बट प्लीज़ स्टॉप स्प्रेडिंग हेट, स्प्रेड लव एंड वही बस प्यार बांटिए। लगता है गलत क्या इस चौके, माफ़ कर दो, हमारे ब्रदर लाइक हमारे ब्रदर है, मतलब उनको आपको लगता है बहुत ही गलत है तो स्टॉप फॉलोइंग देम। अब आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रीचर पर्टिकुलर सिंगर अच्छा है, अभी वर्षिपर अच्छा है, उनको जो फॉलो करो। अब लगता है गलत आपको, एक तो आपको माफ़ कर दो, अभी फॉलो मत करो, यही बोल रहा हूँ, एक जो उनको माफ़ करो, फॉलो मत करो, उनके अगर ऐसे बैठ के वीडियो बनाना बंद करो। वी लव कैमरा मैन, वी लव चंद्र बंगेरा एंड आई लव यू ऑल, जो मुझे कैमरा गाली दे रहे थे मुझे उनको भी प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ स्टॉप स्प्रेडिंग हेट्रेड। वी लव इसमें से बोला कि बोलते ना इसमें ने बोला कि हमारा जो हमारे अंदर प्यार रहता है, हमारे बॉन्डिंग रहता है, वही दुनिया को बताएगा कि हम लोग क्रिश्चियंस है, हम लोग भी बैठ के झगड़ा करें तो अब क्या होएगा यार। तो स्टॉप प्लीज, सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस कॉन्ट्रोवर्सीज। वी लव ऑल एंड वी लव, आई लव यू ऑल एंड यू लव मी, सो थैंक यू। एंड मैं बोला था प्लीज डोंट सब्सक्राइब जस्ट फॉर कॉन्ट्रोवर्सी, इफ यू वांट बाइबल टीचिंग देन ओनली सब्सक्राइब। सो थैंक यू एंड माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सहनसी रहूं मैं, पुर उम्मीद हूँ मैं, है करीब।